जितना ही देसी वर्ड देसी है ना, उतनी ही देसी है अपनी पूरी। और पूरी की ना हजारों वेराइटीज पॉसिबल है, और क्यों ना हो इतनी सारी वेराइटीज। इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, पार्टीज होती हैं और शादियां होती हैं, सब में पूरी का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरी की वेराइटी भी होनी चाहिए। मैं आपके लिए एक ऐसी ही वेराइटी की पूरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है गाजर की पूरी। सो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये पूरी की रेसिपी, लेट्स बिगिन। गाजर की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ताज़ा मसाला जो है उसको कूट लूँगा। तो मसालों में एक जाएगा यहाँ पे धनिया, काली मिर्च, जीरा, और इन तीनों मसालों को मैं बिल्कुल हल्का हल्का क्रश करूंगा। पाउडर नहीं बनाना है, मुझे दरदरा चाहिए। ये आई शो यू, एक बार जो दाने हैं ना वो खुल गए हैं, टूट गए हैं, तो अच्छे से जो फ्लेवर है ना इनका और उभर के आएगा, खुशबू और भी ज्यादा आएगी। बस तो अब पूरी के लिए हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा सूजी यानी कि रवा। सूजी जो है वो पूरी को वैसे ही फूला फूला और खस्ता रखेगी। तो सूजी डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार, और नमक के बाद कसूरी मेथी। तो ये ज़रा दिल खोल के, बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब आप कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करते हो आप। इसके अंदर अब डालूंगा मैं हींग, और अब देसी रेसिपी, देसी घी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आटा अच्छे से जो है वो घी के साथ कोट हो जाता है, वो सूखा नहीं रहता, ड्राई नहीं रहता, और बिल्कुल इस तरीके का टेक्सचर चाहिए हमें, सैंडी टेक्सचर, ब्रेड क्रम्ब जैसा। हो गया नहीं, अभी कैसे हुआ? स्टार इंग्रेडिएंट पता क्या था? क्या था? गाजर थी ना, गाजर की पूरी है। तो गाजर कहाँ से आएगी? गाजर आएगी यहाँ से। मैंने ये वाली कैरेट का इस्तेमाल क्यों किया है? आप बोलोगे लाल वाली गाजर क्यों नहीं? भाई वो आती है सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए, बाकी पूरी साल भर तो वो नहीं रहती ना। तो आपको पूरी जब भी आपको बनानी हो तो ये वाली गाजर तो होती है अवेलेबल, इससे बना लो। गाजर के ऊपर बहुत दे दिया मैंने ज्ञान, और ये गाजर जो है वो कद्दूकस करके रखी हुई है, और ये किसी हुई गाजर गई आटे के अंदर। और गाजर को पहले हम मिक्स करेंगे और देखेंगे कितने पानी की ज़रूरत है। काफ़ी सारा काम तो ये गाजरों का मॉइस्चर ही कर देगा। बस अब धीरे धीरे करके पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और ये पूरी का आटा जो है वो गया है गूंद। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, कितना ये सॉफ्ट होना चाहिए, ये इस तरीके से। बिल्कुल आटे का डो कैसे होता है, वो फौरन चला जाता है और हल्का सा वो इलास्टिक होता है, थोड़ा सा वो बाउंस बैक करता है, बट पूरी का ऐसे नहीं होता। पूरी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बेलने के लिए, और वैसी ही होनी चाहिए क्योंकि पूरी जो है वो बिना सूखे आटे के बनाई जाती है। अब हो गया? नहीं, कैसे होगा? जो ताज़ा मसाला हमने पीस के रखा है वो जाएगा अब इसके अंदर। और आप बोलोगे ये पहले क्यों नहीं डाला? भाई पहले ये जो दाने होते हैं ना वो कभी कभी ये मुखियाँ मारते वक्त ना चुपते हैं, तो बाद में अच्छे से मिक्स कर लो, क्या जाता है। मिक्स करेंगे तो अब जो पूरी का आटा है वो बिल्कुल तैयार है। और आटा तैयार हो गया, ये तो होता है इम्पॉर्टेंट, और उसके अलावा तेल तलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तेल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ गर्म होना चाहिए, गोल गोल फूली फूली पूरी बनाने के लिए। कढ़ाई में लिया है तेल और हम जला लेते हैं गैस। तो ये अच्छे से गर्म होगा तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। आटा कैसे सेट होगा? खुले तो नहीं होगा क्योंकि वो आटा सूख जाएगा, इसीलिए उसे हम इस तरीके से, कोई गीला कपड़ा होगा, पानी में भिगोना, उसको निचोड़ना, और फिर उसके बाद इस कपड़े से आप ढक देना। तो तेल जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम गर्मा गर्म पूरियाँ तलते हैं, उससे पहले बेलते हैं। छोटा छोटा इस तरीके से पूरी का आटा तोड़ना है, ये भी बड़ा एक्चुअली, इससे भी छोटा बस। तो ये ऐसे छोटे छोटे पेड़े तोड़ने हैं, और प्लेटफॉर्म के ऊपर या चकले के ऊपर थोड़ा सा ये जो तेल है ना वो केयरफुली छिड़क देना है, और यही तेल लेके हल्का सा बेलन के ऊपर भी, और फिर छोटी छोटी गोल गोल पूरियां हैं वो हम बेल लेंगे। आप चाहो तो ढेर सारी पूरियां बेल के
किसी ग्रीस बर्तन के अंदर परात के अंदर रखे, उसको आप गीले कपड़े से ढक के भी रख सकते हो और फिर एकदम से आप सारी पूरियां तल सकते हो, या फिर आप एक एक करके गर्मा गर्म पूरी तलिए और जो खाने वाला बैठा होगा ना उसके तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये बन गई हमारी छोटी सी गाजर की पूरी और ये पूरी गई तेल में, बस हल्के से ऊपर से प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे फिर टर्न, और हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो इस तरीके से जो पूरी है वो फर्स्ट क्लास जो है वो फूल जाएगी और फौरन इसको निकाल देंगे पेपर टाल के ऊपर बस। और इसी तरीके से गर्मा गर्म पूरियाँ जो है वो गाजर की बना के पहले तैयार कर लेते हैं। तो पूरियाँ जो है वो तैयार हैं, इससे ज़्यादा मैं एक टाइम में खा नहीं पाऊँगा। बाकी का आटा आप फ्रिज में रख सकते हो अच्छे से उसको क्लिंग फिल्म में रैप करके या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर के अंदर, और जब गर्मा गर्म पूरी बनानी हो बाहर निकालो, आधे घंटे के लिए रखो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दो और फिर गर्मा गर्म पूरियाँ बना के खाओ। मेरे मुँह में आ रहा है पानी, तो पूरियों के साथ आलू की सब्ज़ी तो मस्त है ना, तो मैं ज़रा प्लेटिंग करता हूँ और थोड़ी सी चख के मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है। अच्छा, आपको पहले टेक्सचर दिखाऊं अंदर से, कसूरी मेथी गाजर और जो कूटा हुआ मसाला था ना, फ्रेश जो कूटा था उससे भरा पड़ा है यहाँ पे। तो ये पूरियाँ तो आपको अब बनानी पड़ेगी है ना, तो ये गाजर की पूरी बनाओ, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और इसी तरीके की मसालेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होता हूँ मैं दिल से देसी पे, आपका अपना शेफ़ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सी यू अगेन, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।